हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप देख सके मेरा न्यू वीडियो सबसे पहले और आपको मिलता रहे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, सामान्यतः यह देखा जाता है कि इंग्लिश बोलने वाले का महत्व तो बढ़ जाता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या मैरिज, इंग्लिश बोलने वाले पर्सन का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, फ्रेंड्स, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है जो 100% वर्क करता है। फ्रेंड्स, मैं भूल कर भी रॉन्ग वीडियो, झूठा वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो पर विश्वास रखो, यह 100% वर्क करता है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। आप सबसे पहले एक फेसबुक अकाउंट बनाओ, जो आप पहले से यूज कर रहे हो वो भी यूज में ला सकते हो। अब आप उस फेसबुक अकाउंट में उस पर्सन को जोड़ो या फिर उस लोगों को जोड़ो जो इंग्लिश बोलना जानते हो। आप चाहो तो फॉरेनर फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। दोस्तों, एक बार आप फिर से सुन लो। आप उन्हीं लोगों को ऐड करना जो इंग्लिश बोलते हो, या फिर उस एरिया से फ्रेंड ऐड करना जो जहां पर इंग्लिश बोला जाता है। आप फॉरेनर को ही ऐड कर लो। दोस्तों, एक बात याद रखना, यदि आप गर्ल हो तो गर्ल स्टूडेंट को ही ऐड करना, यदि आप बॉय स्टूडेंट हो तो बॉय को ही ऐड करना है। दोस्तों, आप उस फेसबुक अकाउंट में दोस्तों से जो फॉरेनर है उनसे अपने स्टडी के बारे में ही बात करना। आप चाहो तो साइंस के बारे में बात कर सकते हो, आप चाहो तो अपने कोर्स, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ, इसी सब के बारे में बात करना, इंग्लिश में बात करोगे। फॉरेनर तो इंग्लिश ही बोलेंगे। ये भी देखा जाता है कि इंग्लिश तो सीख गए लेकिन बोलने वाला कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है। घर में सब हिंदी बोलते हैं, स्कूल में भी हिंदी बोलते हैं, तो मेरा यह आइडिया 100% वर्क करेगा। कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं क्या करूं, क्या बिना सीखे ही फेसबुक अकाउंट खोल दूं और बातें करना शुरू कर दूं? तो फ्रेंड्स, यदि आपको 10% भी इंग्लिश आती है, हाय बाय, हेलो, ये सब कहने भी आता है, तो आप सीख सकते हैं। आप अपने पास एक डिक्शनरी रखो। आज कल तो डिक्शनरी का बहुत सारा ऐप भी मौजूद है। आप उस डिक्शनरी से टूटा फूटा ही इंग्लिश बोलो। यदि आपको 10% ही इंग्लिश आता है तो आप बोलो, ऐसा बोलो जिससे कि आपके फ्रेंड समझ पाए। लेकिन दोस्तों, यह आप याद रखना कि आप वह फेसबुक अकाउंट केवल इंग्लिश बोलने के उद्देश्य से खोले हो, इसीलिए दूसरी बातें मत करना, और जो दूसरी बातें करते हो उनको अनफ्रेंड कर देना है। और यह भी जरूरी है कि दोस्तों, आप अपने पॉइंट से कभी भी विचलित न होना। यदि आप गर्ल हो, एक बार फिर सुन लो, यदि आप गर्ल हो तो गर्ल स्टूडेंट को ही ऐड करना, यदि आप बॉय हो तो बॉय स्टूडेंट को ही ऐड करना। कुछ लोग फेक आईडी होते हैं तो आप तुरंत पता चलते हैं, उनको अनफ्रेंड कर देना। ऐसा करने से दोस्तों, आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस हो सकता है। यदि आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी फेसबुक अकाउंट पर ध्यान देते हैं, आप डिस्कशन करते हैं, उन लोगों के साथ बात करते हैं, तो यह आपके इंग्लिश के प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा। दोस्तों, अभ्यास करने से हर काम पॉसिबल हो जाता है। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है।
यह आप मान के चलो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।